हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस YouTube पे। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जो बच्चे ITI में एडमिशन करवाने वाले हैं या जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन कराने वाले हैं। तो ITI वालों के लिए सेम है और डिप्लोमा वाले के लिए भी सेम है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे ट्रेड होते हैं जिससे आप अच्छा खासा जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, जिससे आप अच्छी खासी सैलरी वाली प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कि कौन ऐसा ट्रेड है जो कि हमें ITI में करना चाहिए या कौन ऐसा ट्रेड है जो हमें डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड होते हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ट्रेड जो है सीमित है, 10 है 15 है, बहुत सारे ट्रेड है। अब इन बहुत सारे ट्रेडों में कौन ऐसा ट्रेड होता है जिसे हम लोग मदर ट्रेड कहते हैं। अब ये मदर ट्रेड क्या होता है सर जी? मदर ट्रेड मेरे दोस्त ये होता है कि जिसको पूरे ITI को, जिसको पूरे डिप्लोमा को, जिसको पूरे बीटेक का जो है मेन कहा जाता है, मेन हथियार कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले डिप्लोमा वाले सुन ले कि मदर ट्रेड किसे कहते हैं। तो मदर ट्रेड होता है आप लोगों के पास तीन ऐसे जो ट्रेड है जो कि मदर ट्रेड कहलाते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद होता है सिविल। ये तीन जो होते हैं ये एकदम मदर ट्रेड कहलाते हैं। मदर ट्रेड मतलब ये आधारभूत होते हैं, है ना, आपके डिप्लोमा के ये आधारभूत होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। ये तो रही डिप्लोमा की बात। अब आप बोलोगे सर मैं किसी और ट्रेड से कर रहा हूं तो क्या ट्रेड अच्छा नहीं है? भाई अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है 11th में क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस लेके पढ़ते हैं। क्या जो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं है? अच्छा है भाई, वो अपने जगह पे अपनी फील्ड में वो बेहतर है। कॉमर्स लेके जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो भी अपनी फील्ड में बेहतर है। जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं वो भी अपनी फील्ड में बेहतर है। तो मदर ट्रेड होता है कि अगर आपको इन सबसे करने का मौका मिलेगा तो आप जरूर कर लेना भाई, है ना, क्योंकि इससे आप लोगों को जो है ना जॉब मिल जाती है। प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब में भी बहुत सारे फॉर्म जो है इन्हीं के रिगार्डिंग आते हैं। नहीं यकीन होता है जाके उठा के देख लीजिएगा, सरकारी कोई सा भी फॉर्म आता हो आप एक बार जाइएगा देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आ रही है। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है इन्हीं तीन को होती है। अब चलते हैं जरा ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं कि ITI में कौन सा मदर ट्रेड होता है। तो ITI में दो मदर ट्रेड होते हैं। अरे सर, आपने तो डिप्लोमा वालों को तीन बता दिया, हमें दो बता रहे हैं भाई, जो है वो मैं वही बता रहा हूं। तो यानी जो ITI का होता है दो ही मदर ट्रेड होता है। अब ये दो मदर ट्रेड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फीटर, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रीशियन। यानी अगर आप फीटर से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं तो समझिए कि आप जो है अच्छा कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, आपने कर लिया तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले पढ़ा देंगे और आप उसमें पढ़ के सोचोगे कि मैं भैया गवर्नमेंट जॉब ले लूं। नहीं भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, कॉलेज वाले आपको पढ़ाएंगे, लेकिन खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो दो ट्रेड होते हैं मदर ट्रेड कहलाते हैं। आप इन दो ट्रेड से ITI कीजिएगा तो कभी भी जो है भूखे नहीं रहिएगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी अच्छी खासी, कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेहनत कीजिएगा तो आपको कुछ भी मिल सकता है, है ना। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर बेकार ही है, फालतू का आप ITI कर लोगे, फिर वैसे ही घूमते रह जाओगे, है ना। तो मेहनत सही डायरेक्शन में करना है आपको। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो ITI कीजिए और ITI के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए। बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, बहुत सारे जो है आपको हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।